इल्म बगैर साजिशों के नहीं आ सकता, लोगों को बगैर उनकी नेगेटिविटी फेस किए समझा नहीं जा सकता। वो इल्म ही क्या जिसे बेवफाइयों का सामना ना करना, वो इल्म ही क्या, वो क्यादत ही क्या जिसको उसके बाजू ना काट के चले। जो शख्स भी अच्छे पर हो बुरे पे हो, बातिल पे हो हक पर हो, सही पर हो गलत पर हो, किसी भी एक फिक्र के ऊपर अगर जमा कर सकता है ना लोगों को, ही द लीडर। जो लोगों को जमा कर सकता है ना लीडर है भाई, क्योंकि जमा करने के लिए चाहिए साइकोलॉजी। जो नफ्सियात नहीं समझ सकता ही इज नॉट अ लीडर। गलती भी नहीं करे वो लोगों को जमा करने की, मुतनफर करेगा लोगों। जो लोगों को जमा कर सकता है उसके लिए साइकोलॉजी चाहिए, नफ्सियात चाहिए। उसे पता होना चाहिए क्या चीज हिट करती है लोगों को, उनकी सेंसिटिव ट्रिप वायर्स कौन सी हैं, उनके नर्व, उनकी सेंसिटिव नर्व्स कौन सी हैं, उनकी गर्म नर्व्स कौन सी हैं, कौन सा हॉट वायर है जिसे नहीं छेड़ना, कौन सा सेंसिटिव वायर है जहां वो कहेंगे दिया यार दिल दिया। अकीदत में यही तो मजा है। अकीदे में क्या मजा है? अकीदे में तौहीद होती है, अकीदत में भरोसा होता है। तो अकीदे वाले अगर अकीदत पर आ जाए ना, क्या ही बात है। अकीदे वालों को अकीदत बनानी नहीं आ रही। अकीदत दलील से नहीं बनती, अकीदत एतमाद से बनती है। अकीदत दलील भी होता है, अकीदत एतमाद पर होता है। वह हमने दिल दे दिया। लोगों की नफ्सियात को इंसान कैसे माहिर करेगा? जब लोगों की नफ्सियात उसको धोखे देगी। इल्म बगैर धोखों के नहीं आ सकता, इल्म बगैर बेवफाई के नहीं आ सकता, इल्म बगैर साजिशों के नहीं आ सकता, लोगों को बगैर उनकी नेगेटिविटीज फेस किए समझा नहीं जा सकता। वो इल्म ही क्या जिसे बेवफाइयों का सामना ना करना, वो इल्म ही क्या, वो क्यादत ही क्या जिसको उसके बाजू ना काट के चले। शेख सादी से किसी ने पूछा, मुझे दुश्मन नहीं मिलता मैं क्या करूं? आपने कहा इल्म पढ़ा दे, शागिर्द से बड़ा दुश्मन उस्ताद का कोई नहीं होता। एक शागिर्द ही होता है जो एक उस्ताद को गिराता है, क्योंकि वो बहुत करीब से उसकी कमजोरियां देख रहा होता है। तो वो लोग ही क्या जो कमजोरियों को ही तो इस्तेमाल, वो इल्म जिसकी कमजोरियां नहीं पकड़ी गई वो लीड नहीं कर सकता। वो इल्म जिसको अपने लूज एंड्स का नहीं पता वो लीड नहीं कर सकता। वो इल्म जिसे ये नहीं पता कि वो चलती हुई गाड़ी के अंदर क्या बोंगियां मार जाता है वो कभी लीड नहीं कर सकता। तो क्यादत और टीम मैनेजमेंट अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बगैर मार खाए नहीं पक्की हो सकती। ये जितनी सिखा लें वो एक और बात है, लेकिन मार खाने के बाद ही लीडर तैयार होता है, बगैर मार के नहीं हो सकता। क्योंकि जहां पर वो रिलैक्स करेगा वो उसे मारेंगे, उसका प्रिंसिपल पक्का हो जाएगा।